मैं अकेली बेचारी कमजोर सी, कैसे हाथ लगाऊंगी, हिल ही नहीं रहे। मेरी तो कमर ही सेट हो जाएगी। तू चलकर जरा ठीक करा दियो। और इस मैडम की वड्डी वड्डी किताबें, वो सड़ रही है, उन्हें भी हटाना है ना। माँ मैं कर देती हूँ। तू? तुम कर लोगी? क्यों नहीं। बाबूजी आप, अरे तू तो बहुत ही स्ट्रांग है, तू सब कुछ कर सकती है। तो आप ना? क्यों रहे हो बाबूजी? एक मिनट मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये 33 नंबर हाउस किधर है? वो वहाँ सामने। यहाँ पर? जी। थैंक यू। आंटी जी, अगर आप कहे तो घर के सोफे सेट करने में मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन ये है कौन? अरे ये राजवीर है। आपने वो गुरप्रीत के घर पे किराएदार आया ना, ये वही है। अच्छा, हाँ। नमस्ते आंटी जी। चल जल्दी से सोफे हटवा दे। सोफे उठाकर इधर से उधर रखने हैं ठीक से, और किताबें भी उठानी है। अरे माही पागल हो गई क्या, फोन गिर गया तेरा। अरे लड़की पलकी। बोधा यू आर यू, हाउ आर यू माय पुत्र? ये हमारे नए पड़ोसी हैं। हाय। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं अजनबी लोगों को देखती हूँ तो मेरी स्लिप ऑफ टंग स्लिप हो जाती है। माही, मैंने बताया था ना बुआ जी के यहाँ किराएदार आए हैं, वही है ये राजवीर। ओ हाँ, बताया था, बट ये नहीं बताया था कि ये कितना हैंडसम दिखता है। सॉरी, कुछ कहा तूने? हाँ नहीं, कुछ नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे उठाकर मैं लेकर आई थी ये सारा सामान उठाकर यहाँ लगाने के लिए, और तुम लोग ना, तुम लोग की तो बातें ही बंद नहीं हो रही है। जी आंटी जी, वो कौन सा सोफा हटाना है यहाँ पर? ये हाँ, ये दोनों सोफे उठाकर ना वहाँ पर रखना है, और वो कार्टन जो देख रहे हैं ना, वो कार्टन बड़ा वाला, हाँ बहुत ही भारी है वो, पता है। उसमें ये पलकी की सारी किताबें, अब पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो गई है ना उसकी, मगर किताबें तो बड़ी बड़ी वाली है, भारी भारी वाली है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। सारी किताबें पढ़ डाली इसने, अब उसे बेचना है, बहुत एक्सपेंसिव है ना। रद्दी वाला है, इतना सारा काम अकेले वो कैसे करेगा? मैं तेरा हाथ बटा देता हूँ पुत्र, ये वाला सोफा उधर जाएगा। हाँ, ये छोटा वाला उठाकर सामने ही रख दीजिएगा। माही हट। हाँ। अरे ये आप क्यों ले आई? दो मिनट। अरे कपड़े छत पर सूख गए थे तो मैंने सोचा उतार लेती हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दे दो। आप मुझे दीजिए, इन्हें फोल्ड करके अच्छे से रख दूंगी। अरे नहीं नहीं, ये प्रेस करने को ही देने हैं मुझे, तो क्यों खामखा डबल काम करेंगी, दे दो। अरे ये रहने दीजिए, अरे अपने कपड़े मैं खुद ही प्रेस कर लेती हूँ। चलो ठीक है, मैं छोड़ के आई हूँ। ओके रिलैक्स, बेल करने के बाद किसी को टाइम तो दो कि वो उठ के आएगा, खोलेगा दरवाजा, टंग 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 ऐसे कैसे? अरे यार करण प्लीज यार, बात को सुन लिया कर।
से तेज गाड़ू सपनों से आ गए अब जहां लुट जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजना तेरा सजना बिन रहन करूं ना विचैन करूं सजना इतनी बड़ी गड्डी किसकी हो सकती है ये चाय का पकड़ है ये लो पाना पाना थैंक्स परफेक्ट वैसे तुम नल क्यों खोल रहे हो वो नल में पानी नहीं आ रहा ना पहले मुझे लगा कि फिल्टर में कचरा है लेकिन अब समझ में आया कि कचरा तो शायद इस नल में ही है ओए पकड़ो पकड़ो पानी पकड़ो आई मीन नल पकड़ो अरे पकड़ा है लेकिन हट तो ये पानी कहां से पहली बार है जी पहली बार है जी इस कदर किसी की दिल सवार है जी जिसकी आस में हूँ सुबह से दोपहर शाम को उसी का इंतजार है जी होश है जरा 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 खुमार है जी छेड़ के गया वो दिल के तार है जी पहली बार है जी पहली बार है जी इस कदर किसी की धुन सवार है जी जिसकी आस में हूँ सुबह से दोपहर शाम को उसी का इंतजार है जी हड़बड़ी में हर घड़ी है धड़कने हुई बावड़ी सारा दिन से ढूंढते रहे नैनों की लगी नौकरी दिख गई तो है उसी में आज की कमाई मेरी मुस्कुरा भी दे तो मुझे लगी जीत ली कोई लॉटरी दिल की हरकतें मेरी समझ के पार है जी इश्क है इसे या मौसमी बुखार है जी पहली बार है जी पहली बार है जी राजवीर क्या करता है तू क्यों बार बार इसे ऐसे देख रहा है जरा रोकड़ दो मंज धारा यारा जा मेरा यारा जा मेरा ओहो वे पल पल जैसे सदिया वे इश्क बड़ा है इम्तिहान तेरा छान ली तेरी गलिया वे दिल मेरा ना मिले आवे मुझको बना ले तेरा उंदरिया सुन तो सही मैं क्या कह रही हूँ मैं कह रही थी
कि वो जो लंबी गड्डी वाला मुंडा था ना, था तो बड़ा सोना है कि नहीं? मतलब इतना भी सोना नहीं था लेकिन था हैंडसम। तो आप ही कर लो सेटिंग, है कि नहीं? हाँ, बस इस उम्र में यही तो बचा है, वो भी कर लेती मैं। लेकिन वो क्या है ना, उम्र थोड़ी, वो थोड़ा यंग शंग है कि नहीं? अच्छा, तो क्या खिचड़ी पक रही है माँ बेटी के बीच में? कुछ नहीं जी, हम मुझे देखते ही तुम दोनों को साफ सोंगे। क्या बातें हो रही थी? हम लोग तो बात कर रहे थे, बस टहलते हुए आ रहे थे, उसको कुछ खरीदना था। हाय, मुझे तो यही लड़का अच्छा लगता है। अच्छा जी, चलिए मैं चलता हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं बेटा, चाय शाय पी के जाना, आज तुझे चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगा। हाँ जीते, किसी चाय बनाओ ना। हाँ ये तो बड़ी चंगी गल कही है, मैं बढ़िया अदरक वाली चाय बनाती हूँ, दो मिनट में अभी लेके आती हूँ। अरे सुनो। अच्छा अंकल आंटी, आप अगर कोई भी काम होगा तो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं तो बाजू में ही रहता हूँ। हाँ हाँ, आपको ही बुलाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ आपको ही बुलाएंगे। ले लो ये आ गया। किधर था तू, इतनी देर क्यों कर दी? वैसे तू कहीं भी था हमें क्या फर्क पड़ता है, कुछ काम तो होता नहीं तुझसे, निखट्टू कहीं का। अब अपने किराएदार से सीख, कितनी मदद की उसने हमारी, है कि नहीं? मामी जी रिलैक्स, ये सब ना हम बाद में कर लेते हैं, इसकी तारीफ, मेरी बुराई, ये सब हम बाद में करते हैं। अच्छा अभी राजवीर तू सुन मैं क्या कह रहा था। बाद में नहीं, पहले तो ये बता तू बाबूजी की स्कूटी लेके गया था? नमक लाने, नमक सॉल्ट जो तू अभी ऐड कर रही है ना वो। तो ले आया नमक, मुझे तो लगा था तू खुद अपने हाथों से बना कर लेकर आएगा। क्या बाबूजी आप भी, वो कब से बेचारा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों बोलने ही नहीं दे रहे हो। तू बोल। थैंक यू सिस, इस खानदान में ना एक लड़की समझदार है और एक लड़का जो वहां उस घर में रहता है, यहां पलकी वहां मोहित। हो गई तेरी बकवास। बकवास तो मेरी चलती रहेगी ना। चलो वो सब छोड़ो, मैं कह रहा हूं कि मैं राजवीर से मिलने आऊं, मेरा मतलब राजवीर को बुलाने हूं, क्योंकि राजवीर तुमसे मिलने कोई घर पर आए। मुझसे मिलने? हाँ भाई, यहां पर और कोई राजवीर है? हाथ उठाओ। Nobody? हाँ ठीक है जी, मैं चलता हूँ फिर। अब हट करना है। जल्दी गो बड़ी। बाय बाय। मामी जी सिर्फ डांट ही खिलाओगी या खाने को भी कुछ दोगी? बहुत भूख लगी है। नहीं भैया, मैं तो कुछ नहीं बनाने वाली, मेरे हाथ में दर्द हो गया, सुबह से कितना काम किया, पसेरी पर सब्जियां रखी, वो भी तो काटनी, वो कौन काटेगा, तू काटेगा? बना दो ना कुछ। नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, रह भूखा। और ये मेरी छोटंकी सिस, तू कुछ बनाती है? झापड़ आता है बनाना, लाओ। नहीं मुझे पता है इसे क्या आता है बनाना, बेवकूफ बनाना आता बहुत अच्छे तरीके से। बकवास सुन रहे हो, मार खाने वाले काम ही करता है तू। हो गई तेरी नौटंकी, अभी नाटक बंद कर और बता क्या खाएगा। सिस्टर यार अब तू ही कुछ बना दे खाने, बहुत भूख लगी है, पेट में ना चूहे दौड़ रहे तलवार लेकर एक दूसरे की जान मारने के लिए। अरे खोते बताना क्या खाएगा, पूछ तो रहा हूँ 3 देर से। अच्छा जब तक ये तू बिस्किट खा ले। ये कुछ नहीं खाएगा, ये खाएगा तो अब मेरे हाथ का कस के झापड़, अभी खींच के एक झापड़ दूंगी ना, सारे चूहे अपने आप शांत हो जाएंगे, है कि नहीं? नहीं नहीं मामी, ये स्पेशल डिश ना आप अपने पास ही रखो, बड़ी वायलेंट फैमिली है। तू चुप कर, मुझे पता है ये क्या खाएगा, इसके फेवरेट समोसे। लेकिन पहले प्रॉमिस कर कि कल से जॉगिंग पे जाएगा। पक्का प्रॉमिस, पक्का जाऊंगा मैं, सच्ची वाला पक्का प्रॉमिस। हाँ सच्ची वाला पक्का प्रॉमिस, अब बहुत भूख लगी, समोसे बना दे, बहुत भूख लगा है। ये करीना बुआ भी ना कुछ ज्यादा ही बोलती है, इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। I won't spare her for this. अगर करण ने जाते जाते मुझे अपनी मॉम का ख्याल रखने नहीं कहा होता ना, तो अब भी इन सबको मुंह तोड़ जवाब देती। मन तो करता है इन सबको एक बार में ही सीधा कर दूं, but well, pretending to be good is painful. सही सुना आपने, एक बार फिर कहता हूं, मुझे बेटा मत बोलना, क्योंकि मैं आपका बेटा नहीं, मैं बस अपनी माँ का बेटा। राजवीर कैसी बातें कर रहे हो तुम,
देखो मैं यहाँ पर तुम्हें बेटा बनाने नहीं आया, बेटा बोलने नहीं आया, लेकिन एक बात करने का तरीका होता है कि जो भी तुम्हारे बच्चों की उम्र के होते हैं ना, बेटा या बेटी कहकर बुलाया जाता है। That's it. As simple as that. हमारे यहां ऐसा कोई दिखावा नहीं होता है। हमारे अगर कोई रिश्ता होता है, बेटा बेटी या कोई और रिश्ता, तो वो जिंदगी भर का होता है। मुझे आपके यहाँ के तौर तरीके नहीं पता थे, इसलिए रिएक्ट करके आई एम सॉरी। लेकिन अब समझ में आ गया कि आपके यहाँ पर सिर्फ नाम के और बुलाने के रिश्ते होते हैं। मिस्टर लूथरा, यू नो व्हाट, आपके और मेरे जिंदगी में रिश्तों के मायने बहुत अलग है। अब क्या सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं, हमारे यहाँ रिश्तों का नाम होता है। अगर रिश्ते होते तो जिंदगी भर के लिए निभाए भी जाते हैं। देखो राजवीर, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इतना गुस्सा, बस का एक्सीडेंट हुआ लेकिन भगवान की कृपा से किसी की जान नहीं गई, लोगों को चोट आई है लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और मैं मानता हूं कि शौर्य ने गलती की है और मैं यहां पर उसकी वकालत करने नहीं आया। वो मैं ही हूं, शौर्य का पिता करण लूथरा, जिसने कल उसकी बेल नहीं करवाई, इसलिए वो आज जेल में है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी इंसान ने गलती की है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके बेटे ने गलती की है तो आप यहां पर क्यों आए? अगर आप उसे सही गलत का ज्ञान सिखा देते हैं तो आज ये नौबत आती ही नहीं। आज आपको दर दर भटकना ही नहीं पड़ता, जेल के चक्कर नहीं काटने पड़ते आपको। अरे तू क्या कर रहा है, वो बात क्यों नहीं सुन रहा? तेरे को बुला रहा हूं, तू क्यों, जस्ट काम डाउन। काम डाउन? मैं काम डाउन? तूने देखा किसने बदतमीजी से बात कर रहा था वो लड़का? कैसे बात की है उसने उससे? तुम उससे कह रहा काम डाउन? मैं कोई यारा गरा इंसान नहीं हूं, मैं करण लूथरा हूं, द करण लूथरा। तो वो भी कोई कम नहीं है, वो भी किसी करण लूथरा की औलाद होगी। अरे तू मेरी बात को समझ नहीं रहा, उसने गलत क्या बोला? बोला तो उसने सही ना, सोच तो वो सही रहा है ना, प्रॉब्लम क्या है? तो मैं गलत हूं? मैंने भी उससे रिक्वेस्ट करके बात की थी, प्यार से बात की थी, उसको ऑर्डर तो नहीं दिया था ना, यही कहा था कि अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, आज के बाद शौर्य इस तरह की हरकत नहीं करेगा। लेकिन नहीं, वो तो लड़ने लगा मुझसे, बदतमीजी से बात करने लगा मुझसे, तो ऐसे बात कर रहा जैसे मैं उसका कोई दुश्मन हूँ। अच्छा अब तू इतना गुस्सा करके होगा क्या? हम बाहर आ गए हैं ना, बात को सुलझाना है, बात को बढ़ाना नहीं है, इसलिए तू थोड़ा सा चिल कर, रिलैक्स कर। क्या चिल कर, हर बार एक ही बात, चिल कर। सर मैं ही काम डाउन हूं, मैं ही ठंडा रहूं बस। हाँ क्या हुआ? क्या नहीं, नहीं कुछ नहीं, चल ना, चल घर चलते हैं, वैसे ही लेट हो गया। चल जी मिस्टर ओबेरॉय, या मिस्टर ओबेरॉय वांट्स टू टॉक टू यू। स्पीकर पर डाल दे, यही बात प्यार से बोल। मिस्टर ओबेरॉय, यस हाँ, मीटिंग अगले हफ्ते के करीब अगर रख लेते हैं तो बेटर रहेगा, कि सब होंगे। अगर लोगों के हक के लिए वो तेरे खिलाफ खड़ा होता तो ऐसे गुस्सा करता? अपने परिवार के लिए खड़ा होता, उनकी परवाह करता? अगर अपनी माँ के लिए तेरे अगेंस्ट खड़ा होता, ऐसे गुस्सा होता? तो अगर अपनी माँ की चोट के लिए वो इंसाफ मांगता तो तू ऐसे गुस्सा करता? नहीं करता ना। करण सुन मेरी बात, उसकी माँ को चोट लगी है, अगर वो उस चोट का इंसाफ मांग रहा है, अगर तेरा बेटा तुझसे वो इंसाफ मांगता तो तू ऐसे ही गुस्सा होता? ये खूबियां अगर तेरे बेटे में होती ना तो उसके ऊपर नाज करता, गर्व करता, तू गुस्सा नहीं करता। क्या गलत किया है राजवीर ने? अपना परिवार का साथ दिया है, अपने परिवार की परवाह की है, गलत के खिलाफ खड़ा हुआ है, क्या किया है उसने?
और तू भी तो यही चाहता है ना कि तू सच के साथ खड़ा हो। सच के साथ तू खड़ा होता है ना तो अब हो। तू वहां जाके उसको पैसे ऑफर कर रहा है। तुझे मैं वहां पर लेकर गया था इसलिए ताकि तू वहां पर जाए और उसको बोले कि हमसे गलती हुई है, प्लीज अपनी कंप्लेन वापस ले लो, ना कि जाके उसको पैसे ऑफर करे। I'm sorry, but मुझे भी बुरा लगा जब तूने उसको पैसे ऑफर किए। That's not the way to deal with things. तू उसकी ईमानदारी खरीद रहा था, उसकी ऑनेस्टी खरीद रहा था। मैं जो भी कर रहा था वो शौर्य के लिए कर रहा था, बस। इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाया। मॉम, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जाऊंगा पर्सनली उस लड़के से बात करूंगा, शौर्य को वापस छुड़ा कर लाऊंगा। मॉम, मैंने अपना वादा निभाया है, मैं उसके पास गया मॉम, लेकिन क्या करूं, वादा निभा के भी नहीं निभा पाया। प्लीज कुछ खा लीजिए। देखिए, मैं शौर्य को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा, सच कह रहा हूं, पर कोशिश नहीं, अब तो मैं शौर्य को वापस लेकर आऊंगा। देखना आप, अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक शौर्य जेल से बाहर नहीं आता। अगर वो अपनी बात का पक्का है ना, तो मैं भी दर्द कर लूट रहा हूं। अब चिंता मत करो मॉम, चिंता मत करो, मम्मा आपको पता है ना अपना बेटा कैसा है, 2 मिनट का गुस्सा होता उसके बाद भी। अब मैं आपको मेरी माँ को एक खरोच तक पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं इस शहर में आपसे बदला लेने आया और आते ही सबसे पहले आपके बेटे से, यानी मेरे भाई से टकराया। पहले आपने मेरी माँ को चोट दी और फिर आपके बेटे ने। अब मेरे अंदर की बदले की आग और भी ज्यादा बढ़ गई है और अब मैं आप लूथरास को छोड़ूंगा नहीं। मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे और मेरी माँ को। मेरी माँ के साथ होते हुए भी मैं उन्हें माँ नहीं बुला सकता। तो माँ, आपको तो कुछ याद भी नहीं है, आप अनजाने में अपने उस पति, अपने उस बेटे की मदद कर रही है जिन्होंने आपको चोट के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। मगर अब और नहीं, अब मैं आपको उनकी कोई मदद नहीं करने दूंगा, उनके लिए कुछ भी करने नहीं दूंगा, उनके उस झूठे प्यार के जाल में फंसने नहीं दूंगा आपको मैं। क्या राम रावण लगा रखा है, क्या हुआ, सब ठीक है? डैड, कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। आज वो लड़का जिससे मैं मिला, राजवीर, वो अच्छा लगा मुझे, लेकिन पता नहीं, एट द सेम टाइम उस लड़के से नफरत हो रही है मुझे। बेटा, प्रॉब्लम पता है क्या है? तुझे नफरत क्यों हो रही है, इसका कारण यह है कि तुझे आदत नहीं है कि कोई तेरे खिलाफ खड़ा हो। इतने सालों में कोई तेरे सामने आया नहीं ना, इसलिए तुझे बुरा लग रहा है कि ऐसा कौन आ गया जो तेरे सामने आंख से आंख मिला के बात कर रहा है। लेकिन ऋषभ ने मुझे बताया उस लड़के के बारे में, बहुत तारीफ कर रहा था उसकी। वो क्या नाम है उसका, वो राजवीर। ऋषभ की बातों से ऐसा लगा कि वो लड़का वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा प्रॉब्लम यह है कि वो जितना अच्छा होगा ना, वो हमारे लिए उतना ही खराब होगा। एक बात तो तय है, शौर्य को मैं जेल से छुड़वा कर रहूंगा चाहे जो भी हो जाए, और वो लड़का राजवीर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसने मेरी इंसल्ट की है, करण लूथरा की इंसल्ट। और आप अच्छी तरह से जानते हैं डैड, मैं इस दुनिया में किसी भी इंसान को माफ कर सकता हूँ, लेकिन उसको नहीं, जिसने मेरी इंसल्ट की। Wrong with you. एक सिप में पूरा ड्रिंक पी गई। इतना ही मन करता तो घर पे भी पी लिया करना। Of course, it's
सबसे छिपते छिपाते। That's not possible, Roy Yusuf. उस घर में ना चलती तो मेरी है, लेकिन सबकी नजर सिर्फ मुझ पर होती है, so I've got to be careful. मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे कि मेरी परफेक्ट इमेज खराब हो। And तू तो जानती है उस घर में लोग कितने ओल्ड फैशन है, so I've got to be careful. वैसे मन तो कर रहा है कि मैं एक लंबे हॉलिडे पे चली जाऊं, जो मैं जाऊंगी, बस एक बार शौर्य को छुड़ा दूं, तो जानती है वो जेल में है अभी, एक बार ये कर लूं उसके बाद स्वयं एक लंबा हॉलिडे लूंगी मैं। बेब्स, आई फील फॉर यू, आई नो उस घर में बस एक शौर्य ही तो है जिससे तुम इतना प्यार करती है, और अभी तो वो भी जेल में है। आई एम श्योर तुझे तो ठीक से नींद भी नहीं आती होगी। नहीं आती, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती, इनफैक्ट मैं रात भर जागती रहती हूँ, तभी तो होटल में रूम बुक किया है। Are you serious, Nits? I mean... Yes, darling, I'm serious. And come on, तुम्हारे सामने क्या झूठ बोलना, तुम तो सब कुछ जानती हो और तुम मेरी फ्रेंड भी हो। किसी शौर्य मेरे लिए ना वो पपी है जो मेरी हर बात मानता है, जो मेरे आगे पीछे घूमता है, उसे लगता है कि उसका मालिक उससे बहुत प्यार करता है, पर मालिक को भी तो प्यार चाहिए, इसीलिए कभी कभी उसे अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। वैसे इस वक्त ना मुझे ये पूरी सिचुएशन का फायदा उठाना है, कुछ भी करके शौर्य को बाहर लाना है, अगर ऐसा हो गया ना तो लूथरा हाउस में मैं क्वीन बन जाऊंगी। बट बेब्स, जब करण शौर्य को जेल से नहीं निकाल पाया तो तू अकेली ये कैसे करेगी? ऑफ कोर्स करूंगी। जैसे करण शौर्य को इसलिए जेल से नहीं निकलवा पाया क्योंकि वो बहुत ही एथिकल है, सच का साथ देने वाला टाइप, यू नो, एंड इसीलिए उसके उसूल उसे अलाउ नहीं कर रहे कि वो पूरी तरीके से मेहनत करे शौर्य को बाहर निकालने के लिए। एंड दैट इज व्हाई मुझे शौर्य को कुछ भी करके बाहर निकालना है। जैसे आरोही, आई एम सो हैप्पी कि तुम यहाँ आ गई हो। अब इस जगह पर आकर मैं कभी भी सो सकती हूँ, ड्रिंक कर सकती हूँ, रेस्ट कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स बी, एनी टाइम। वो कल अब हम जाएंगे और शौर्य से मिलेंगे, उस बिगड़े हुए बेटे को और बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उसे ये रियलाइज करवाएंगे कि उसकी लॉयल्टी सिर्फ मेरी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि उसे कोई समझता है तो सिर्फ मैं। उसे ये भी बताएंगे कि करण उसकी बिल्कुल केयर नहीं करता, इनफैक्ट लूथरा हाउस में नोबडी केयर्स फॉर हिम, अगर कोई केयर करता है तो वो सिर्फ मैं, निधि, निधि हिंदुजा। Oh God, लेट हो गया। प्रीता, तुम्हारे सपने देखने के चक्कर में ना आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया। Handsome, hey handsome, hi. Hi. वो मैं एक्चुअली तुम्हारा नाम भूल गई। अब राजवीर। राजवीर, यस राजवीर। अब मैं तुम्हें ऐसे ओ हेलो ये सब करके बुलाती तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैंने तुम्हें हैंडसम बोल दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, आई एम फाइन।
अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, अब मैं भी चलती। तुम कहाँ? तुम जहाँ। ये मार्केट है ना आगे, प्लीज मुझे वहां पर ड्रॉप कर दो ना। ओके। सच में कितना अच्छा लड़का है, गुड बॉय। मैं उस सो कॉल्ड लूथरा फैमिली को छोड़ दूं, नहीं रहूंगा मैं उनके साथ। मैं अपनी लाइफ से उन्हें बॉयकॉट करूंगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तू उनके साथ रहेगा तभी तो मेरी पावर बनी रहेगी। शौर्य बेटा कम है। बेटा मेरी बात सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, ओके? तू तो जानता है कि मैं कितनी स्ट्रांग हूं। थोड़ी देर के लिए बस इमोशनल हो गई थी, पर बेचारी तो बिल्कुल नहीं हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अब मुझे जो करना पड़े ना मैं करूंगी, एंड जो मैं करने जा रही हूँ दैट्स नॉट लीगल। पैसा करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मॉम, आप क्या करने वाले हो? आप मुझे ऐसे बाहर कैसे निकालोगे? मनी इज पावर बेटा। पैसा दूंगी, लोगों को खरीदूंगी। हम श्योर ये रिस्की है, बहुत रिस्की है, खासकर ऐसे इंसान को ब्राइब देना जो कि बहुत ही ईमानदार है। हो सकता है कि वो मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दे, हो सकता है कि मुझे जेल हो जाए। चुनो बेटा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। इट डजंट मैटर कि मेरे साथ क्या होगा, अब मैं तुम्हें यहां से निकाल के रखूंगी। यू टेक केयर बेटा, ओके? Mom, listen to me. Oh, man. Excuse me. ये माँ की सौतन है ना? बताइए ना सृष्टि माँ, ये माँ की सौतन है ना? डूड, ये राजवीर की मासी को क्यों मिलना है तुझसे? क्या लगता है क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे वो यहां आकर? हाय, वो तुम ठीक हो? आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू क्राई, बट मेरी फैमिली ने मुझे अब तक बाहर ही नहीं निकाला। मैंने सोचा था वो अब तक मुझे निकाल लेंगे, एंड आई स्वेयर मुझे बिल्कुल नहीं पता था उस बस में आप हो, अदरवाइज मैंने जो किया मैं वो बिल्कुल नहीं करता। आई एम रियली सॉरी, आई रियली एम। प्लीज इट्स ओके, काम डाउन। ये तुम्हारे हाथों पे कैसे लगी? कुछ नहीं, आई एम फाइन, कुछ नहीं हुआ। अरे
बताओ ना कैसे लगी तुम्हें चोट लगी है तुम मुझसे कह सकते हो मैं I'm fine. मैं सच में ठीक हूँ शौर्य ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ मेरे हाथों के बने हुए बेसन के लड्डू खा के देखो मेरी दादी भी बिल्कुल ऐसे ही लड्डू बनाती हैं और मेरे डैड ये उनका फेवरेट है अगर वो यहाँ होते तो सारे के सारे लड्डू खा जाते और मुझे एक भी नहीं मिलता एक्चुअली ये लड्डू ना राजवीर के भी फेवरेट है लेकिन तुम्हें भी अच्छे लगेंगे अच्छे लगे कि नहीं अच्छे बहुत अच्छे थैंक यू आई नो मैंने जो उस दिन किया वो बहुत गलत था अनजाने में ही सही मैंने आपको चोट दी है एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट आप इतनी अच्छी हो एंड मैंने जो आपके साथ किया इट्स सो डिस्गस्टिंग सो शेमफुल ऐसे मत बोलो मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो लेकिन अब नहीं मैं अभी जाकर तुम्हारे खिलाफ अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगी और तुम्हें यहां से बाहर जाने देंगे और मत रो प्लीज अपना दिल मत खराब करो जल्दी तुम यहां से फ्री हो जाओगे सो What's a big deal? I mean, तू इतना tense क्यों हो रही है? Don't tell me. उसके घर छोड़ने से तुझे क्या फर्क पड़ता है? Come on, Nick. मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है अब सच सच बता कि बात क्या है फर्क पड़ता है फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि शौर्य उस घर में मेरे लिए वो ट्रम्प कार्ड है जो मुझे उस घर में पावर देता है So basically, अगर शौर्य वहां से चला गया तो क्या पता लोग मुझे भी निकाल दें एंड एट द वेरी लीस्ट मेरी पोजीशन मेरा रिस्पेक्ट मेरी पावर सब खत्म सो इन शॉर्ट शौर्य है तो मैं हूँ मेरी रिस्पेक्ट है मेरी कमांड है तो तूने शौर्य को क्या बोला झूठ झूठ एक छोटा सा झूठ कि मैं उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ लोगों को पैसों की पावर से खरीद कर उसे बाहर निकाल दूंगी ऐसा कुछ करने थोड़ी वाली हो व्हाट मीन बता हाँ फिर शौर्य बाहर कैसे आएगा क्यों आएगा यू सी बेसिकली शौर्य ने कोई बहुत बड़ा मर्डर या कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है कोई क्राइम नहीं किया है छोटा मोटा एक्सीडेंट किया है सो बाहर तो वो आ ही जाएगा अब उसको बाहर लाने के लिए मुझे एक बड़ा गेम खेलना पड़ेगा गेम और जैसे ही मैंने वो गेम खेला ना शौर्य मेरी मुट्ठी में होगा I will win his trust. In fact, वो अपने आप से भी ज्यादा मुझ पे भरोसा करेगा चल अब ये भी बता दे इसके लिए तू करने के वाली है बहुत सवाल पूछ रही है गाड़ी चला क्यों ड्रामा क्वीन कैसी बात कर रहे हो तुम दादी है वो तुम्हारी हाँ यार एटलीस्ट जाकर मिल तो ले उनसे अब मुझे देख मेरी तो किसी को परवाह भी नहीं है एंड मुझसे कोई मिलने तक नहीं आया कम से कम तेरी दादी तो आई है जाके मिल ले डूड संजू आई एम टेलिंग यू ब्रो तू ना ये फैमिली मेंबर टाइप बातें मुझसे मत किया कर तू दोस्त है दोस्त की तरह रहे उससे ज्यादा कुछ नहीं और आप क्या देख रहे हो जाओ और उन्हें बोलो मुझे उसे नहीं मिलना पता नहीं क्या चल रहा है Dude, this is not fair. ये गलत करा है तुम हाँ तूने उस कॉन्स्टेबल के सामने मेरी इंसल्ट Dude, आज मैं अगर इस सेल में हूं ना इट्स बिकॉज ऑफ यू मैं वहां तेरे साथ था इसीलिए इन्होंने मुझे अंदर डाल दिया हेलो हेलो भैया कितनी देर पहले मैंने आपको कॉल किया था मेरी गाड़ी खराब हो गई है एंड आई एम स्टैंडिंग हियर ऑन द रोड वेयर आर यू
और कितनी देर लगने वाली है आपको यहाँ आने में? जल्दी आइए प्लीज। गाड़ी में बैठे बैठे ना मैं बोर हो गई हूँ, पर क्या करूँ, बाहर भी नहीं निकल सकती क्योंकि मेरी माँ यानी कि राखी रुद्रा पुलिस स्टेशन गई है और वापस भी इसी रास्ते से आएंगी, तो अगर मैं बाहर उतरी और उन्होंने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर वो 100 सवाल पूछेंगी और मुझे 100 जवाब ढूंढने पड़ेंगे, वो भी झूठ। इसमें से एक झूठ मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मैं बैंगलोर जा रही हूँ। अरे ये तो अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे, मैं जाकर हेल्प करती हूँ। ओ मैडम कहाँ जा रही हैं? सिग्नल ग्रीन हो गया। हेलो, हाँ डैड, आपने अंदर बात कर ली ना कि मैं आपका बेटा हूँ? थैंक्स डैड। ओ तो ये ऊपर की पहुंच लग रहा है। नहीं नहीं, ये जॉब मेरी है, मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए, मैं ये जॉब नहीं खो सकता, वो भी सिर्फ इसलिए कि इसकी डैड कोई बड़ी हस्ती है। लेकिन आजकल कॉन्टैक्ट्स बहुत काउंट होते हैं, ये जॉब शायद इसी को मिलेगा, अपने फादर के दम पे, क्या करूं? मिस्टर अशोक, यहां तो इस नाम का कोई है ही नहीं। कम ऑन राजवीर, लेट सेट गो। आप है मिस्टर अशोक, यू मे प्लीज गो इनसाइड। कम इन। हेलो सर। तुम अशोक नहीं हो? यस मिस्टर ठाकुर। तुम मुझे कैसे जानते हो? सर आपको कौन नहीं जानता सर, आप तो एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। सर मुझे तो ये भी पता है कि आप जब इस कंपनी में इंटरव्यू देने आए थे तो आपने यहाँ के ओनर से कहा था कि एक आप ही है जो इस कंपनी के लिए बेस्ट है और इस कंपनी को आप ही को हायर करना चाहिए। सर सही है, आपने जब से इस कंपनी को ज्वाइन किया आपने जितने भी फैसले लिए सारे फैसले सही, सिवाय एक के। कौन सा डिसीजन जो मुझे नहीं पता? मिस्टर ठाकुर मेहता एंटरप्राइजेस को जुनेजा एंड कंपनी को बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट? व्हाट ही इज टॉकिंग? ये सब तुम्हें कैसे पता मिस्टर? राजवीर सर, मेरा नाम राजवीर अरोरा है और मैं कमशेदपुर यूनिवर्सिटी से MBA करके आया हूँ, एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ। सर सर जैसा आपने कहा था इस कंपनी में अपने इंटरव्यू में कि एक आप ही है जो इस कंपनी के लिए बेस्ट है और इस कंपनी को आप ही को हायर करना चाहिए, सेम ही सर मुझे लगता है कि एक मैं ही हूं जो इस कंपनी के लिए बेस्ट हूं। सर यहां आने से पहले मैंने इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स चेक की और मुझे पता है कि इस कंपनी में कहां कहां कमियां हैं। सर आप लूथरा इंडस्ट्रीज के डर से इस कंपनी को मत बेचिए, इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल।
सर आप एक बार मुझ पर और मेरी बातों पर ट्रस्ट करके देखिए। सर जब इंसान को भूख लगती है ना तो वो खाना ढूंढता है। मैंने अपने पैशन को ढूंढा है और मैं इस कंपनी को वापस से बुलंदियों पर लेकर जाना चाहता हूं। लूथरा इंडस्ट्रीज से बहुत आगे, इतना आगे कि आप पूछ सकते हैं कितना। मिस्टर राजवीर अरोड़ा, प्लीज ज्वाइन दिस कंपनी फ्रॉम मंडे। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर। ओए, यहाँ क्या कर रहा है तू? तेरा इंटरव्यू था ना, तू गया नहीं क्या? भाई सुन, तू मेरे लिए ना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं अपना जॉब इंटरव्यू छोड़ के तेरे लिए यहाँ आऊँ। पोस्टपोन हो गया, पोस्टपोन। ओ बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस, तुझे जॉब मिल गई, क्या बात है। तुझे पता है मुझे भी ना करण लूथरा के पैर छू लेने चाहिए। नहीं, वो मुझे भी आशीर्वाद देते, मैं भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता और मुझे भी जॉब मिल जाती। जीते रहो। मुझे ये जॉब उनके आशीर्वाद की वजह से नहीं मिला है। अरे जानता हूँ, तेरे टैलेंट की वजह से मिला है। एक सेकंड, मैंने तो तुझे बताया नहीं कि मेरा जॉब लग गया है। ब्रदर, जब आप गए थे ना अंदर इंटरव्यू के लिए, उसके बहुत पहले से मुझे पता चल गया था कि तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी। मेरा भाई है ही इतना टैलेंटेड। अच्छा सुन, अब चल जल्दी से जाके तेरी मासी को ये ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। चल। हाँ, मुझे ना, मुझे मासी के चेहरे पे वो हंसी, वो खुशी देखनी है। चल जल्दी, चल चल चल। एक सेकंड, तू कहाँ बाइक चला रहा है भाई? सुबह मैंने देखा था तू कैसी बाइक चलाता है। पीछे पीछे, बाइक मैं चलाऊंगा, चल। आज बड़ी रौनक लग गई यार रोड पे। अरे यार ये सब फालतू गिरी छोड़, तू काम पे ध्यान देना। कि मैं आते वक्त मिठाई का डब्बा लेकर आऊंगा, अभी सबका मुंह मीठा कर बाता हूँ। खुश रहे, तेरे सारे सपने पूरे हो, करियर में बहुत तरक्की करें। थैंक यू। भाई कोई भूल जा, बाइक मैं चलाऊं, तुझे इंटरव्यू के लिए मैं लेके जाऊं, और मेरे कोई भूल जा। देखा, मैंने कहा ना ये सब मेरे बाइक की वजह से हो रहा है। हाँ। मेरी बाइक बहुत लकी है, जान से ज्यादा प्यार करता हूँ ना उसको। पलकि पुत्र, ये लेके जा और घर वालों का भी मुंह मीठा कर। जी बुआ जी। तो फिर मैं चलूं? बाय प्रीता जी, ध्यान रखिए। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक्स। थैंक यू, बाय बाय। खोते, तू कब खिला रहा है मिठाई? मिठाई ये लो ना। अरे खाओ ना। राजवीर तो अपने करियर की तरफ बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन शौर्य का क्या? जो जेल में फंसा पड़ा है उस बेचारे के करियर का क्या होगा? आप माँ, ये सब आपके आशीर्वाद से मुमकिन हुआ है। आप हमेशा मुझे आशीर्वाद देती है ना कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, तो आपका आशीर्वाद खाली कैसे जा सकता है? अब आपके आशीर्वाद से ही मैं करण लूथरा से बदला लूंगा और आपके आशीर्वाद से ही शौर्य को सबक भी सिखाऊंगा। की कार्यवाही शुरू की जाए। मिलोर्ड, यह केस क्रिस्टल क्लियर है। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ वो अनजाने में नहीं हुआ, शौर्य ने बहुत पी रखी थी,
जानबूझकर इन्होंने ये एक्सीडेंट किया है, जिस तरह आजकल के लड़के एंटरटेनमेंट के लिए एक्सीडेंट करते हैं। और तो एक्सीडेंट होने के बाद ये वहां खड़ा होके एंजॉय कर रहा था, मजे ले रहा था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट शौर्य ने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, रास्ता बहुत खराब था। माय लॉर्ड, बात रोड की नहीं इंसान की हो रही है, गुनाहगार की हो रही है। और इन्हें एक क्राइम किया है और इन्हें इसकी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। माय लॉर्ड, शौर्य ने इस बस एक्सीडेंट के साथ साथ एक और क्राइम किया है। शौर्य ने राजवीर अरोड़ा के सर पर कांच की बोतल फोड़ी। अरे उनके साथ कुछ भी हो सकता था, उसने भी तो मेरे सर पे बोतल तोड़ी, वो मर भी सकता था। ऑर्डर ऑर्डर, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे रखना बहुत जरूरी है। माय लॉर्ड, इस केस से संबंधित वो सबूत हैं जो मैं कोर्ट में सबमिट करना चाहता हूं। इसमें वो लोग भी मौजूद हैं जो बस में थे और जिनके सर पर चोट आई। और इसके साथ माय लॉर्ड, ये है शौर्य की अल्कोहल टेस्ट रिपोर्ट। प्लीज माय लॉर्ड, इस केस को राजवीर और उसकी मासी ने किया है शौर्य के खिलाफ, और वही लोग सुनवाई में नहीं, इसलिए सुनवाई के लिए अगली तारीख चाहता हूँ। नहीं, इस केस की सुनवाई ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब इस केस में और क्या कहना सुनना बाकी है। सबूत बता रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि शौर्य लूथरा ने गुनाह किया है, तो सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत शौर्य लूथरा को गुनहगार मानती है। सर सर, मैं चौकी जाता हूँ, इसके बाद आप इसे भी चौकी ले आना, ये लगता है हमारा लंबा मेहमान बनने वाला है। एक साथ इतनी सारी जिंदगियों के साथ खेलना बहुत गलत है, आज अगर इसे कानून ने छोड़ दिया तो कल ये इससे भी बड़ी गलती करेगा। तो ये अदालत शौर्य को 6 महीनों के लिए रुक जाइए प्लीज, कि ये आज के बाद ऐसा कोई गुनाह नहीं करेगा तो ही ये अदालत इसे रिहा कर सकती है। मैंने आज तक अपने करियर में ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन आपकी बात में दम है, अगर हम एक नौजवान के भविष्य को तबाह होने से बचा सकते हैं तो बचाना चाहिए। अगर हमने इसे मौका नहीं दिया तो ये एक छोटी सी चिंगारी अंगार बनके पूरे समाज के लिए खतरा बन जाएगी। तो कहिए, आप इसकी गारंटी लेती हो? पूरी तरह से, मैं शौर्य की पूरी गारंटी लेती हूँ। इसकी माँ की तरह, मैं जानता हूँ मेरे इस फैसले पर उंगलियाँ उठेंगी, सवाल भी उठेंगे, बहुत सी चीजें मेरे खिलाफ चली जाएंगी, पर आज आपने सच में एक एग्जाम्पल सेट किया है। आप इसकी कुछ भी नहीं लगती, ऑन द कंटेम्प्ररी आपने इस पर केस भी फाइल किया है, पर आपके अंदर छिपी हुई एक माँ ने इस नौजवान के भविष्य को बर्बाद होने से बचा लिया है। मैं इसकी कदर करता हूँ, ये अदालत शौर्य को बाइज्जत रिहा करती है। The court is adjourned for today. हम ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? शौर्य रिहा हो गया ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। चल पुत्र, भगवान जी का शुक्रिया अदा करते। चलिए। ये राजवीर की मासी, वो तो बड़ी हेलिश है, मेरा सारा क्रेडिट ले गई और मुझे पता भी नहीं चला। देसी घी मिल गया है, देसी घी नहीं चाहिए रहेगा, लेकिन तेल खत्म हो गया और ये बन गई लिस्ट। रेडी। क्या बात है, कौन सी लिस्ट बना रहा है? मासी मैं नहीं बना रहा था, ये गुरप्रीत आंटी लिस्ट बना रही थी, लेकिन वो ऊपर वाले शेफ से देसी घी और तेल चेक करना उनका रह गया था क्योंकि स्टूल नहीं मिल रहा था, तो मैंने बोला मैं हेल्प कर देता हूँ, तो बन गई लिस्ट। लेकिन आई थिंक गुरप्रीत आंटी ना राजू की माँ से मिलने चली गई है, बट कोई बात नहीं,
सामान मैं ला लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, तू ले आ सामान। लेकिन मासी मैं अकेला नहीं जा सकता, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये सारा सामान तो मैं ले आऊंगा, लेकिन सब्जियाँ उसका तो नॉलेज मुझे है ही नहीं। माँ भी मुझे कभी सब्जी लेने भेजती नहीं थी, क्योंकि वो रेडी लेकर घर के बाहर ही आ जाता था ना। मुझे सब्जियों का कोई नॉलेज नहीं है, ये टिंडी भिंडी आलू रटालू कुछ भी नहीं। आप प्लीज मेरे साथ चल दो ना। अच्छा ठीक है बाबा, कितनी बातें बनाता है तू। मैंने मना किया है क्या? सारी सब्जी मैं ले लूंगी, तू जा किचन से वो बैग तो ले आ। आज मैं जेल से बाहर आया डैड, मुझे उसने बचाया जिससे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और जिससे मैंने एक्सपेक्ट किया था, जिससे फुल टू श्योर था, उन्होंने मुझे नहीं बचाया। पता है वो कौन था डैड? आप। आई नो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम्हारी छोटी दादी ने जिद नहीं की होती ना, तो तुम्हें जेल से बाहर निकालने के बारे में सोचता भी नहीं था। Of course, Dad, आपने कभी किसी के लिए सोचा? वो लेडी जिसको मैं जानता तक नहीं, वो भी मुझे नहीं जानती। पता नहीं उनसे जब भी मिलता हूं अलग सा लगता है। How silly and ironic कि मेरी वजह से उनकी जान जोखिम में गई और उन्होंने फिर भी मेरी हेल्प की है, मुझे बाहर निकाला, कोर्ट में मेरा फेवर किया। ये उनकी अच्छाई थी शौर्य, यही अच्छाई ना तुम मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो तुमने किया है वो गलत है। और मैं गलत का साथ कभी नहीं देता। डोंट वरी डैड, मैं आपसे वैसे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। डैड्स मैड होते अपने बच्चों के लिए, पर आपने तो मुझे ही मैड कर रखा है। शौर्य, ये कौन सा तरीका है अपने राज से बात करने का? बेटा बिहेव प्लीज। तुम में संस्कारों की कमी नहीं है, इनफैक्ट तुम में संस्कार ही नहीं है। परवरिश में इस चूक रह गई है तुम्हारे। अरे बनाना कुछ और चाहते थे तुम्हें और बन कुछ और गए हो। करण बस कर पुत्र, शौर्य अभी तो घर आया है, प्लीज। करण, शौर्य बेटा, कितनी बार तुमसे कहा है कि अपने डैड के साथ अच्छे से बात करो, अपने डैड से नाइसली बिहेव करो। बट मॉम, आपने डैड से कभी कहा कि मुझसे नाइसली बिहेव करो? मूड खराब कर देते हैं यार। और ये घर, वो लोग, वो जेल नहीं मॉम, ये जेल है। आई कांट बिलीव, कैसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नाइस, बहुत गुड पीपल है। हमारी ओल्डीज मेरी आरती उतार रही है जैसे मैंने कोई कारनामा कर दिया हो। मॉम, आई स्वेयर मुझे ना रोना आ रहा है। इससे अच्छी तो मेरी पुलिस कस्टडी थी, बस मुझे वहां एसी, मेरा बेड, एक्चुअली मेरा पूरा रूम मिल जाता तो परफेक्ट। यू आर सो फनी। अच्छा अब अपना मूड ठीक करो, गेट इन द वाइब, और ये बताओ कि खाना क्या खाओगे? खाना क्या खाऊंगा? एक जेल से तो आया हूं, दूसरी जेल का खाना मुझे नहीं खाना। मैं जा रहा हूं बाहर खाना खाने के लिए। एक बार देख ले कहां जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन। I'll make sure कि तू पुलिस कस्टडी से बाहर आए भी ना, तो मेरी लाइफ हेल्प करने के बारे में सोचना छोड़ दे।
क्रैकपॉट राजवीर बहुत क्रेजी हो रहा था ना, मैंने जो किया मुझे सजा दिलवाएगा, अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। है ये क्या सीन है? मुझे तो लगा था राजवीर शौर्य से बहुत नफरत करता है, अरे लगा क्या सच में करता है, फिर ये सब। ज्यादा घूरना बंद कर, तेरे जो मन में है शक्ल पे साफ साफ दिख रहा है। क्या? देख तू भी जानता और मैं भी जानती हूँ कि राजवीर पुत्र शौर्य से कितनी नफरत करता है, लेकिन प्रीता जी उसे यहाँ पर अपने बेटे की तरह लेकर आई है, तो अब इस ऑकवर्ड सिचुएशन में हम फंसेंगे, क्योंकि प्रीता जी शौर्य को अपना बेटा मानने लगी है और हमें शौर्य से अच्छे से पेश आना होगा, और मेरे भाई को शौर्य से सख्त नफरत है, और अगर उसे पता चल गया कि हम उससे अच्छे से पेश आ रहे तो पता नहीं भाई क्या करेगा। भाई? हाँ, मैंने अपने आप को प्रीता जी को गोद दिलवा दिया था ना उस दिन, तो उस हिसाब से तो राजवीर मेरा भाई हुआ। होते? अच्छा एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, आपने इस किचन को संभाला है, इस घर को संभाला है, घर क्या आपने हमें संभाला है, हमारी मुसीबतों में हमारा साथ दिया है, जब भी आंसू आते हैं ना तो आप अपने इसी दुपट्टे से हमारे आंसू पोंछते हैं, आपको तो पता है मुझसे स्ट्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, जब भी मैं स्ट्रेस होती हूँ आप ही हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, इतना इमोशनल सपोर्ट देती है, आप क्या बताऊं आपने क्या क्या किया है। माँ आप हमारे लिए क्या मायने रखते हो ना ये आप नहीं जानते है कि नहीं। कान खोलकर सुन लिया आपने? तुमने सुन लिया तुमसे कितना प्यार करती है और तुम्हारी कितनी इज्जत करती है वो। क्या तुम मुझे सिखा दो? मैं और तुम्हें बॉडी बनाना सिखाऊं? नॉट इंटरेस्टेड। ओह हेलो, इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड तुमसे सीखने, तुम फ्लेक्स कर रहे थे तो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग मैंने सोचा कि तारीफ कर देता हूँ। अरे यार मैं समझता क्या है अपने आपको, अच्छी बॉडी है तो कुछ भी बोलेगा, नॉट इंटरेस्टेड। बॉडी होना है, ओ गॉड ये कितना अनकंफर्टेबल है, इस बेड में कोई कैसे सो सकता है मैन। और सुन मुझे ना ये बॉडी बिल्डर टाइप बॉडी ना बिल्कुल पसंद नहीं, क्या? दादी अक्सर एक फ्रेज कहा करती थी, क्या था वो? मासी मैं लेप लगा देता हूँ, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ओह अच्छा तू लेप लगाएगा, जानते हैं हम तू कैसा लेप लगाएगा, कोई जरूरत नहीं है। देखना इसके बाद बस कुछ ही देर में तुम्हें दर्द खत्म हो जाएगा और कल तक चोट भी ठीक हो जाएगी। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चून रियाल रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चून रियाल जब जब मुझ पे उठा सवार मारी तेरी चुनरिया लहराए। राजवीर देख रही हूं मैं तुम दोनों एक दूसरे को कैसे लुक्स दे रहे हो, अरे अब झगड़ा खत्म कर दो भाई, क्या जरूरत है इतनी दुश्मनी की, एक दूसरे से चलो हाथ मिलाओ और झगड़ा खत्म करो, अब दुश्मन बनना है भाई भी तो बन सकते हो,
हाँ? तुम्हारे लिए भी है ये बात। चलो अब ये नाराजगी खत्म करो, चलो एक दूसरे से हाथ मिलाओ और ये दुश्मनी खत्म करो। हमें नहीं चाहिए दुश्मनी वुश्मनी। दोनों के दोनों जिद्दी हो। मेरा फोन बज रहा है, लड़ना मत शुरू कर देना, मैं फोन सुन कर आती हूं। अच्छा मोहित तू भी चल जरा मेरे साथ चल। हाँ बात करनी थी मुझे शौर्य से। मैं जा रहा हूं बाहर, मैं उन सब के साथ खाना तो बिल्कुल नहीं खाने वाला। उनको आप ये बोल देना कि मैं सो चुका हूं, मैंने डोर अंदर से लॉक किया है, मैं खिड़की से बाहर चला जाऊंगा। आप बस प्लीज बाकी सारी चीजें संभाल लेना। शौर्य एक नैप ले रहा है, उसने एक्चुअली कहा था कि क्यों उसे डिस्टर्ब ना करें, जैसे उठ जाए वैसे बात कर लो प्लीज। रियली? या वो अंदर सो रहा है? या ठीक है, जब वो जाग जाए ना तो उससे कहना कि मेरे कमरे में आकर मुझसे मिले। पहले तो ये हल्दी वाला दूध पी लो। बिल्कुल नहीं, आई कैन नेवर डू दिस। तुम्हें चोट लगी है ना, तो अभी मैं तुम्हारी प्रेफरेंसेस के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। जो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है वो तुम्हें लेना पड़ेगा, उसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। कुछ तो बात है उस लेकिन she's good, but उन्होंने मुझे फोर्स किया, वरना वो टर्मरिक मिल्क मैं पीऊं never ever, पर उन्होंने पिला दिया। Done. क्यों उनका मुझ पे इतना होल्ड? क्यों नहीं जाना था मुझे उनके घर, बट शी फोर्स मी तो जाना पड़ा। एंड देन मुझे वो मिल्क नहीं पीना था, बट फिर उन्होंने फोर्स किया और मैंने पी लिया। मुझे खाना नहीं खाना था, वो टर्मरिक लेप नहीं लगाना था, पर अगेन उन्होंने फोर्स किया तो मैंने सब कर लिया। क्यों जब मुझे किसी की नहीं सुननी होती तो मैं अपनी मॉम की भी नहीं सुनता, तो मैं उस क्रैकपॉट राजवीर की मासी की इतनी क्यों सुन रहा हूं? उनसे ऐसे कन्विंस्ड हो रहा हूं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई हाउ। वो तो मेरी मां भी नहीं है कि मैं उनकी हर बात मानूं, तो फिर क्यों? राजवीर, क्या हुआ? कुछ भी नहीं मासी, कुछ भी नहीं। क्या हुआ ऐसे, ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, इसे लवेरिया के मच्छर ने काट लिया। सॉरी, कुछ कहा आपने? अब वो ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तुम तो हॉस्पिटल जा रही थी ना, देर हो जाएगी तुम्हें। हाँ जल्दी जाओ। हाँ I'm so sorry, मेरे दिमाग से ही निकल गया। अच्छा मैं चलती हूँ, सत श्री अकाल बुआ जी। सत श्री अकाल। ओए पलकी सुन, मामू है घर पे? हाँ है। चल मैं भी आ। गुरप्रीत जी, क्या आपने कुछ नोटिस किया? मतलब आपने भी देखा? इसका मतलब मैंने जो देखा वो आपने भी देखा? हाँ बिल्कुल, वो जब राजवीर की हरकत पे हम लोग हंस रहे थे, बल्कि कैसे उस वक्त इतनी परेशान सी हो गई थी। नहीं हाँ, पर मैं तो, अरे मैंने बहुत बार देखा, लेकिन मुझे ना कुछ बात पक्की सी नहीं लगी, तो मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन अब तो मुझे पूरी बात पक्की लग रही है, दोनों की शक्लों पे दिखता है लगता है कि दोनों को प्यार शार हो गया, दोनों के दिल मिल गए हैं। राजवीर पुत्र के दिल में तो जो है वो साफ साफ उसकी शक्ल पे भी दिखता है, बस अब पलकी पुत्र के मन में क्या है वो जानना पड़ेगा। सच में? वैसे मैं तो राजवीर की बात कर रही थी, वो तो पक्का अपना दिल पलकी को दे बैठा है। जब मैं उसे देखती हूँ तो पलकी को देख रहा होता है, और अगर मैं उसे देख लूँ ना पलकी को देखते हुए, तो ओ गॉड ऐसे शर्मा जाता उसे पता चल जाता है कि मैंने उसकी फीलिंग्स पकड़ ली है, इसलिए मुझे नजरें चुराता हुआ फिरता है। जैसे आप पलकी के लिए शौर है ना, मैं राजवीर के लिए बिल्कुल शौर हूँ, और मुझे तो लगता है कि भगवान जी भी इन दोनों के लिए शौर है। तभी तो, मतलब कितनी अजीब बात है ना, जैसे हम लोग सब मिले। बेटा, किसी और ने नोटिस किया हो या ना किया, मैंने देखा कि तुम्हें चोट लगी है। ऑफकोर्स दवाई तो दूंगी ना, कम ऑन। सबने देखा माम, पर हिटलर डैड को लगा कि मैं कहीं ड्रंक हो गया और गिर गया, तभी मेरे फोरहेड पर ये लेप। आई नो हाउ ही थिंक्स माम, वो मेरे लिए सिर्फ वर्स्ट सोचते हैं। पता है हु शुड बी थिंकिंग द वर्स्ट? वो राजवीर की मासी, जिनको मैंने चोट पहुंचाई। बेटा, तुम ऐसे लोगों से अभी तक मिले नहीं हो ना? ये वो लोग होते हैं जो रिच पीपल और प्रिविलेज्ड पीपल के पीछे भागते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं, धीरे धीरे उनके करीब आते हैं, एक वाइब सेट करते हैं, घर आना जाना भी होता है, और फिर धीरे धीरे वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम शेयर करना शुरू करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम तरस खाकर उनकी हेल्प भी कर देते हैं। बट बेटा, डोंट फॉरगेट, ये लोग हमें प्यार नहीं करते, ये हमारी केयर नहीं करते, ना ही ये लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, ये सिर्फ हमारा यूज करते हैं। ये सब छोड़ो, तुम एक बात सोचो, अगर तुम्हें इसी तरह से जैसे तुमने फुली डी को हर्ट किया, वैसे अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया होता तो तुम उसकी कंप्लेन करते, राइट? और कंप्लेन के बाद क्या एकदम से तुम उसे जेल से छुड़ा देते? जस्ट लाइक दैट, डजंट मेक एनी सेंस। मॉम, आई डोंट थिंक वो लेडी ऐसी है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। शी इज प्रीटी यूनिक। आपको पता है उन्होंने तो अपने घर पे मुझे खाना भी खिलाया अपने हाथों से, और ये सब मुझे तो यकीन भी नहीं होता मॉम कि आज की दुनिया में ऐसे लोग होते भी हैं। क्यों? माँ है वो तेरी? अरे मैं सब बताती हूँ, मुझे सब समझाने का टाइम नहीं मिला ना, इसलिए मुझे पता नहीं था कि आज केतन चलाएगा। एक्चुअली पता था, वो गली में मुझे सुधीर भाई साहब कल मिल गए थे, उन्होंने बताया था कि उसके मम्मी पापा बात आगे बढ़ाने के लिए आने वाले, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। अब क्या बताऊं, ये सारी बातें इतनी जल्दी जल्दी हुई ना बेटा कि समझ में नहीं आया मुझे। पर क्या मतलब अभी तो वो क्या, दरअसल मैं वो माँ, ये लोग कैसे आ गए? तुम लोग ना बकवास बंद करो, मैं सब कुछ बाद में बताती हूँ, ठंड रखो ठंड। बल्कि जल्दी से सारे कपड़े पहन के अच्छे से तैयार होकर गली से निकलकर मुझे किचन में आके मिल। मैं नहीं चाहती हूँ ये लोग तुझे ना इस तरह से सादा सुदा देखे, मेरी सुंदर बिटिया सजा धजा देखेंगे तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, बिल्कुल आंखें ना 2/2 से 10/10 हो जाएंगी, ऐसा लगेगा जैसे कोई हूर की परी देख ली है।
एकदम हूर की परी तो तू है ही, क्योंकि हूर की परी की बेटी जो है। माँ का चेहरा देखा है किसी ने? एकदम चांद जैसा टुकड़ा है, चमकता हुआ रंग है, दमकता हुआ अंग है। आयो रब्बा, मैं वारी वारी जाऊँ अपनी खूबसूरती पे। मैं भी क्या बातें लिखी बैठ गई, टाइम भी नहीं है और ये सब कर रही हूँ मैं। तू ना जल्दी से तैयार हो जा, मैं नाश्ते वास्ते की तैयारी करती हूँ किचन में जाकर। और तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तू तो मेकअप में एक्सपायर्ड है। इंग्लिश पे तरस खाओ एक्सपर्ट। हसमानू खानी वही बोला था मैंने, तू जल्दी से इसे तैयार कर, टेम नहीं अपने पास। हाँ चलो। इल्जाम बाद में लगाना, हाँ खामियां बाद में निकालना। अरे बुआ मैं कुछ गलत थोड़ा। करण पुत्र तुझे गुस्सा पता है किस बात का है? कि शौर्य क्रिकेटर नहीं बना तेरी तरह। अरे नहीं बना तो नहीं बना, देख गिटार कितनी अच्छी बजा रहा है ना। बहुत अच्छा रैप करता है, बहुत अच्छा गाता है, बिल्कुल एक रॉकस्टार की तरह। बेटा मैगजीन में फोटो छपी है उसकी, फेमस होता जा रहा है लड़का। वो फेमस है तो मेरी वजह से। अच्छा क्या हुआ? ओ प्लीज अब आप लोग ऐसे मत देखिए जैसे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। अरे जा कहाँ रहा है, बैठ मैं भी साथ चलूंगा, खाना तो खाने दे। गिरीश एक कप चाय मेरे लिए भी ले आना प्लीज। यस सर। बैठ जा। ये जो तू कह रहा ना कि तेरी वजह से फेमस है, बेटा हर बेटा अपने बाप की वजह से ही फेमस होता है। Exactly. इसलिए बाप का नाम लगता है बेटे के पीछे, सरनेम, समझा? लेकिन डैड खुद की पहचान भी तो बनानी जरूरी है, जैसे मैंने अपनी पहचान बनाई है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि शौर्य अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? करण धीरे से बात करो ना, कितना अच्छा गिटार बजा रहा है, सुनने दो। जंजीर तुम मिटा दो और फिर से लिखो तकदीर तुम। वैसे बंसल जी ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? अरे अचानक कैसे, कल रात को बात हुई थी ना दलजीत बहन जी से। सुधीर भाई साहब ने तो हमें बताया कि यहाँ हम सुबह 11 बजे आ जाएं। लो हम तो आ गए। हाँ क्या दलजीत बहन जी, आपने बताया नहीं किसी को हम आने वाले हैं? आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई बहन जी। जी बताती कैसे, वो क्या हुआ ना कि कल मेरे सिर में दर्द हो गया था तो मुझे सरदर्द की गोली खानी पड़ी। वो क्या है ना कि सरदर्द ठीक करने के लिए, फिर दर्दीले सर से ये सारी इम्पोर्टेंट बातें, मतलब ये जो बड़ी बड़ी बातें सब निकल गई इसलिए बताना भूल गई मैं। तो क्या हो गया पलकी, बस अभी आती होगी? आज गर्मी बहुत है ना, तो ठंडा ठंडा पीजिए। वो क्या है ना, इसको तो पीकर गर्म आदमी भी ठंडा हो जाता है। मेरा मतलब वो वाला ठंडा नहीं, वैसे वाला ठंडा है कि नहीं। खुराना जी आप इनसे गला शला कीजिए, मैं बस 2 मिनट में आई। एक्सक्यूज मी। अरे भाई पुत्र तू बंसल सबसे बात कर, मैं जरा अभी। अरे दलजीते, अरे गर्ल सुन। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हमें मिल जाती तो मैं तो अपने राजवीर की शादी पलकी से करा देती। क्योंकि पलकी है ही इतनी अच्छी। बहुत ही प्यारी लड़की है। पर वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर वाला लिखता है।
जिन लोगों को नहीं मिलना होता वो नहीं ही मिलते, और जिन लोगों को मिलना होता है, जिनकी किस्मत साथ में लिखी होती है, वो कभी ना कभी जरूर मिल जाते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल सही कहा आपने, जोड़ियां तो आसमान से बन के आती है। अच्छी बात है, आप शादी की तैयारियां कीजिए, मैं सारी तैयारियों में आपकी पूरी हेल्प करूंगी। हल्की से प्यारी इतना करती हूँ, बेटी जैसी लगती है मुझे अपनी। तो मैं भी सारी तैयारियों में हेल्प करूंगी। और ये वैसे शादी कब की है? दलजीत बहन जी, हम यही तो पूछने आए थे कि अगर परसों का दिन ठीक लगे तो इनकी सगाई कर लेते, वैसे ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है भाई। बस छोटी सी सगाई। लेकिन इतनी जल्दी हम? अरे कैसी बातें करें बहन जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन दी। रिश्ता पक्का समझो, मिठाइयाँ खाओ, बधाइयाँ हो जी, बधाइयाँ बधाइयाँ। चलो जी मुंह मीठा करो, ये लीजिए मेरी तरफ से मुंह मीठा कीजिए। अरे कुराना साहब, आप भी मुंह मीठा कीजिए, लेकिन पहले गले मिलिए। यार ये राजवीर कितना हैंडसम है, चार्मिंग है, स्मार्ट है, इसके पास सब कुछ है पर पैसे नहीं है। अगर इसके पास पैसे होते ना तो सच में चाहे कुछ भी हो जाता, मैं इसी से ही शादी करती। मिस्टर खुराना, क्या बात हो गई? आप थोड़ा टेंशन में लग रहे हैं। अगर आपको किसी बात की चिंता है तो प्लीज हमसे कहिए, हम अगर मदद कर सके तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात ही नहीं है जी, सिर्फ खुशी खुशी है। वो क्या है ना कि इन्हें अपना अपना फीलिंग फीलिंग ना हाँ फीलिंग जतानी, हाँ वही फीलिंग चेहरे पर बतानी नहीं आती है, वो एक्सप्रेस ऑन नहीं होता इनका। शी मींस एक्सप्रेशन। हाँ हाँ वही वही जी वही। चलिए इसी सिलसिले में आप सबको एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाती हूँ मैं। जब पलकी का जन्म हुआ था ना तो मुझे लगा कि इनको बड़ी खुशी होगी क्योंकि इन्हें बेटी का बड़ा शौक था, मगर जब इनका चेहरा देखा तो मैं समझी ताजुब में आ गई कि ये क्या हो गया, ये तो खुशी नहीं लग रहे थे, एकदम दुखी दुखी से लग रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ, इनके आंसू क्यों निकल रहे? तब जाकर पता चला जब इन्होंने बताया कि वो खुशी के आंसू थे। मुझे हमेशा से बेटी ही चाहिए थी, और पलकी को जब मैंने गोद में पहली बार उठाया तो मुझे ऐसा लगा, सच बोलूं तो इस एहसास को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इतनी ज्यादा खुशी हुई मुझे कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए, खुशी के आंसू। अब बताइए भला कोई खुशी के टाइम पर रोता है कि नहीं? हाँ हाँ। ये खुशी, खुशी के आंसू है। मैं जी हंसती रुक रहा हूँ। प्रीता जी क्या हो गया, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ हुआ क्या? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे यही बात किसी ने मुझसे कही थी। या मैंने किसी से कही थी, मुझे याद नहीं आ रहा। मासी, मासी आप ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? आई थिंक हमें घर जाना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। मासी चलिए आप। तू फालतू में मेरी टेंशन मत लिया कर, एक तो इसको पता नहीं क्या है, मेरी सारी जिम्मेदारी अपने पे लेकर बैठा हुआ है, इतनी फिक्र करता है, मेरी इतनी टेंशन लेता है। पिताजी वैसे लड़का बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट नहीं कर पाया था।
हाँ थैंक्स। तुम्हें क्या लगा? वैसे तुम भी मुझे बता सकती हो जो तुम नहीं बता पाई। जैसा कि मैंने कहा अभी भी देरी नहीं हुई है। वो मैं केतन के बारे में बताना चाहती थी। वो एक साल पहले मेरे परिवार ने और केतन के परिवार ने मुझे पसंद किया था। लेकिन तुम पसंद करती हो? पसंद करती हो केतन को? केतन को अच्छा राखी के बारे में कुछ ना बोलो, मेरे बारे में बोलो चलेगा। मम्मी आप भी कम नहीं हो, आप ना मतलब आप तो मेरे सामने पलट जाते हो, मतलब कभी उसका साथ कभी मेरा साथ, मतलब क्या चाहते क्या हो आप लोग? हाँ भाई आपका भाभी के साथ झगड़ा हुआ है क्या? अरे लड़ाई के अलावा करता ही क्या है, हमेशा ही लड़ता रहता है। करेक्ट। हाँ हाँ सारी लड़ाइयां तो मैं ही करता हूँ। वो तो लड़ती नहीं है यार, पता क्या प्रॉब्लम है? लोगों की मम्मियां हैं, लोगों की बहनें ना अपने बेटे का साथ देती हैं, अपने भाई का साथ देती हैं, लेकिन यहाँ तो मेरी माँ और मेरी बहन मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कमाल के लोग यार आप लोग। चुप कर जा वरना पिटेगा आज। हाँ मार लो आप मुझे, मार ही लो, मैं तो पिटने के लिए आया हूँ। हम ना सच्चाई का साथ देते हैं और खाना खा लीजिए, बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाने पे गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। नहीं नहीं थैंक यू वेरी मच, मेरा पेट ना आप लोगों के प्यार से बहुत भर गया। बड़ा झूठा है, बहुत खाया उसने। इसे ठंडे पानी से साफ कर देती हूँ, थोड़ा बेटर फील होगा आपको। बल्कि कोई जरूरत नहीं है, इसे तो रहने दो। नीता जी क्या बचपन है, अगर आपने इसे ठंडे पानी से साफ करके इस पर ऑइंटमेंट नहीं लगाया ना तो आपको सच में छाले पड़ जाएंगे। मुझे करने दीजिए। ये तो डांटती है। मेरी बेटी को ये सब करते हुए देखकर मुझे बड़ा नाश होता है, और बल्कि को अच्छी तरह से पता है किसे कब और कैसे ट्रीट करना है। बाबूजी ना कोई मौका नहीं छोड़ते मेरी तारीफ करने का। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगा कि मैं आपको डांट रही हूँ, पर अगर मैं सच में ऑइंटमेंट नहीं लगाऊंगी ना तो आपको छाला पड़ जाएगा। मैं बस आपको बेटर फील करवाना चाहती थी। थैंक्स, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है।